नमस्कार। आज पिछले 3-4 दिनों से बार बार मुझे कई विद्यार्थी मिलकर कह रहे हैं कि बासवान समिति की रिपोर्ट शायद लागू होने वाली है और वो बहुत घबराए हुए हैं उस बात से। तो उनकी इच्छा थी कि एक बार आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि रिपोर्ट क्या है, क्यों है। मूल तो सवाल है कि है ही क्यों ये रिपोर्ट, और फिर इसके लागू होने से उनके सेहत पर क्या असर पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी बातें। तो फिर इसलिए सोचा गया कि एक बार हम सब बैठ के बात करें। आप सब तनावग्रस्त लोग हैं, परेशान हैं, तो मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस रिपोर्ट को लेकर सच में परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। तो बासवान समिति को लेकर जो बातें पिछले 5 दिन में बच्चों ने पूछी, आजकल हर विद्यार्थी की जुमा पर एक ही नाम है बासवान। जो मिलता है रास्ते में पूछते हैं कि बासवान समिति का क्या होगा। तो पहला सवाल तो ये है कि ये रिपोर्ट या ये कमेटी जो है, समिति हम इसको कह लें, इस समिति के बारे में कुछ बेसिक सवालों जानना चाहते हैं। पहला ये कि ये समिति क्यों बनी, बनाए क्यों इस समिति को। कुछ कहते हैं कि कब बनी, और तीसरा एक सवाल है कि अभी अचानक क्या हुआ, जो अभी पिछले 5 दिन से अचानक ऊहापोह की स्थिति है उसकी वजह क्या है, तीसरा पक्ष है। दूसरा यह है कि इस समिति की रिकमेंडेशंस यानी कि अनुशंसाएं क्या हैं, उसके बाद असर देखेंगे क्या पड़ेगा, पहले रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। तीसरा यह कि अगर वो रिकमेंडेशंस हैं तो क्या उनका लागू होना तय है, तो लागू क्या तय है, और अगर तय है तो कब से लागू होंगी। एक पक्ष ये भी है ना कि कब से लागू होगा, अभी होगा, या अगर कोई बताए आपको कि 2050 से लागू होगा, फिर तो चिंता की बात ही नहीं है आपके लिए, चिंता तो इसी बात की है कि अभी लागू होने वाले। चौथा पक्ष ये हो सकता है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और मुख्य रूप से जो भारतीय भाषाओं के विद्यार्थी हैं, जो भारतीय भाषा वर्ग है, मतलब अंग्रेजी माध्यम छोड़ के बाकी जो मीडियम हैं, उन सब के विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये फियर ज़्यादा देखा जा रहा है कि उनका नुकसान होने वाला है। दूसरा देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं उन पर शायद ज़्यादा असर पड़ने वाला है, तो उनकी चिंता की क्या वजह है, क्या प्रभाव पड़ेगा। और अंत में ये देखेंगे 4 बात के बाद कि अगर ये प्रभाव पड़ना तय ही हो गया है तो आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इस स्थिति का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे अगर ऐसा हो ही गया है तो। हुआ या नहीं हुआ एक पक्ष है, लेकिन अगर ऐसा हो ही रहा है तो हम इसको कैसे मैनेज करें, अपने स्तर पर क्या करें। तो मेरे ख्याल से इन 5 पक्षों से आपके सारे सवाल पूरे हो जाएंगे। एक बच्चे ने यही पूछा कि बासवान हैं कौन, तो उनको जिज्ञासा कौन में भी थी, तो कौन भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन है बासवान साहब। देखिए शुरू करते हैं पहली बात से, बासवान समिति क्यों बनी, फिर कब पर आएंगे। यूपीएससी का जो काम है, बहुत सारे एग्जाम्स लेना है, जिसमें से एक एग्जाम सिविल सर्विसेज है जिसका संबंध आपके साथ है। अब कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम के प्रोसेस में लगातार हमें देखना पड़ता है कि जो पर्पस था जिन व्यक्तियों को चुनने का, क्या हमारा सिस्टम उन्हीं व्यक्तियों को चुन पा रहा है या नहीं चुन पा रहा है। दुनिया में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कुछ लोग ट्रिक से सफल नहीं हो जाते हैं, और हर एग्जाम में एक दिक्कत यह आती है कुछ बहुत बेहतर लोग, क्योंकि एग्जाम के ट्रिक्स के मामले में कमजोर होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हर एग्जाम के प्रोसेस को बार बार खुद को अपडेट करना पड़ता है कि हम और बेहतर हो जाएं, ताकि सूटेबल लोग सिलेक्ट हो ही जाएं, और जो सूटेबल नहीं हैं उनके सिलेक्ट होने के रास्ते में बाधाएं बढ़ती जाएं। तो यूपीएससी ऐसी कमेटीज़ बनाती रहती है, कभी यूपीएससी कभी भारत सरकार यानी कि DOPT बनाता रहता है। जैसे कि 1976 में पहली ऐसी बड़ी समिति बनी जिसको हम कोठारी समिति कहते हैं, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, कोठारी कमेटी का नाम सुना होगा। फिर 1989 में, 76 में इमरजेंसी थी तो उस समय की बात है, 89 में जैसे ही सरकार बदली, जो गैर कांग्रेस सरकार आई, उसने एक कमेटी बनाई जिसको सतीश चंद्र कमेटी कहते हैं, इसका भी नाम सुना ही होगा आपने। फिर जब NDA की सरकार आई 2000 से कुछ पहले, 1998 में जब फाइनली आ गई, तो उसको भी लगा कि थोड़ा सा इस पर काम होना चाहिए, और उस समय कमेटी बैठी थी जिसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ गई थी, वो थी अलग समिति,
अलग समिति बनाई थी उससे पहले की सरकार ने, लेकिन उसकी रिपोर्ट एनडीए के सामने आई और एनडीए ने इस पर सीरियसली विचार भी किया, अप्लाई तो नहीं किया लेकिन विचार किया, सीरियसली किया, 2000 में रिपोर्ट आ गई थी। उसके बाद संभवतः 2004 में एक होता समिति बनी, पूर्ण चंद्र होता नाम के एक व्यक्ति थे, पीसी होता, जो यूपीएससी के चेयरपर्सन भी थे और बड़े भारी प्रशासनिक समझ वाले व्यक्ति थे। हिंदी माध्यम के लोग उनको नेगेटिव रूप में याद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके सबसे बड़े शत्रु वो थे उस समय, वो हिंदी माध्यम के इंटरव्यूज में नंबर काफ़ी कम आते थे उनके बोर्ड में, तो उनको लेके खौफ हिंदी माध्यम के बच्चों में रहता था उस समय। उसके बाद फिर एक कमेटी जिसने सी सेट को लाने का अंतिम सुझाव दिया, उसको बोलते हैं खन्ना समिति। जब खन्ना समिति बन गई तो खन्ना समिति की रिपोर्ट के बाद, सी सेट आने के बाद, ठीक हुआ कि गलत हुआ, उन सब और कई और मसलों पर विचार करने के लिए एक और समिति बनी जिसका नाम था निगवेकर समिति। फिर आपको ध्यान होगा कि 2014 में एक मूवमेंट हुआ था, जिस मूवमेंट का शुरुआती उद्देश्य तो कुछ और था लेकिन धीरे धीरे वो सीसेट मूवमेंट के रूप में सामने आ गया, और सीसेट मूवमेंट जब सामने बना तो उसके बाद डिबेट्स हुई कि सीसेट में जो अंग्रेजी माध्यम के लोगों को फ़ायदा है या मैथ्स बैकग्राउंड के लोगों को बेनिफिट मिलता है वो क्यों मिलता है। उस पर विचार करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई जिसको अरविंद वर्मा समिति कहते हैं। ये कमेटी वो थी जो अदालत के हस्तक्षेप से बनी थी और इसको बताना था कि जो 8 क्वेश्चंस केवल अंग्रेजी में आते हैं उससे कोई नुकसान होता है या नहीं होता है, ये कमेटी उसमें विचार कर ही रही थी। 2014 में जैसे ही ये वाली सरकार, जो भी केंद्र सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो आई तो उसको विरासत में ये सारे तनाव मिले, क्योंकि जैसी सरकार बनी उसके कुछ ही दिनों में सीसेट मूवमेंट शुरू हो गया। इस सरकार का कहना ये था कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पिछली सरकार के कर्मों का फल है, लेकिन विद्यार्थियों का जीवन दांव पे था। तो अंततः उन लोगों ने क्या किया कि उस समय एक फैसला किया कि जो 8 क्वेश्चन सीसेट के आते हैं अंग्रेजी के, सिर्फ अंग्रेजी में आते हैं, उनको भी हम ड्रॉप करते हैं, उनके मार्क्स ऐड नहीं करेंगे। उनसे कई और डिमांड्स की गई थी, तो क्योंकि वो नए नए लोग थे उस समय, जितेंद्र सिंह उस समय जो पीएमओ में राज्य मंत्री के रूप में डीओपीटी संभाल रहे थे, अब भी संभाल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम अभी नए हैं तो हमें सारा सिस्टम समझना होगा। तो अंततः उन्होंने एक फैसला किया कि हम ऐसा करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। कमेटियाँ देश में बनती रहती हैं, हमारा देश कमेटी प्रधान देश है, तो उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी और बनाते हैं, और वो कमेटी यूपीएससी के इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए सारे पक्षों पर विचार करेगी, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एलिजिबिलिटी से लेकर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस तक, ट्रेनिंग पर, हर चीज़ पर विचार करेगी, और उसकी रिकमेंडेशंस के बेस पर हम कोई सही समाधान करेंगे। अभी हम टेम्परेरी समाधान ये कर रहे हैं कि अंग्रेजी वाले क्वेश्चंस को ड्रॉप कर रहे हैं। इसके बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर आप जानते हैं पिछले 3 साल में क्या क्या चीज़ें हुई। इस वायदे के मुताबिक इन लोगों ने क्या किया, यानी कि इस सरकार ने क्या किया, 2015 अगस्त में एक कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं बीएस बासवान समिति। बीएस बासवान 1967 बैच के एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं मध्य प्रदेश काडर के, बहुत योग्य व्यक्ति रहे हैं। हम उनकी बैकग्राउंड को देख के ये ज़रूर लगता है कि वो ग्रामीण भारत को कितना समझते होंगे, लेकिन एबिलिटीज पर तो संदेह करना गलत होगा। दून स्कूल से पढ़े, फिर सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़े, फिर मैनचेस्टर से पढ़े, फिर कैनेडा से पढ़े, भारत सरकार के कई मंत्रालयों में सेक्रेटरी रहे, लवासना जो मसूरी की एकेडमी है उसके डायरेक्टर रहे। मज़े की बात है कि सेक्रेटरी रहे वो MHRD के, और साथ में जिस बात से मुझे बड़ी उम्मीद जगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी रह चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। इससे एक उम्मीद जगती है कि उनको अंदाज़ा होगा कि सोशल जस्टिस की डिमांड करने वाले लोगों की स्थितियाँ कैसी हैं, ट्राइब्स की स्थिति कैसी है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल भी जेन्युइन होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं जब तक रिपोर्ट सामने ना आ जाए। खैर वो अध्यक्ष बने, 1 साल लगाया और 2016 के अगस्त में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस उनका बड़ा साइंटिफिक था। जजमेंट क्या है मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता दरअसल अभी, क्योंकि 2015 और 16 के बीच में ऐसा कई बार मुझे सुनने को मिलता था, जो मेरे बहुत सारे मित्र ब्यूरोक्रेसी में हैं, नौकरी करते हैं,
उन्होंने बताया कि ये समिति बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के पास सवाल पूछ के उनसे जवाब मांग रही है कि उनकी राय क्या है कि ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से इंडक्शन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो ठीक है या नहीं है। स्पेसिफिक बहुत सारे प्रश्नों पर राय उनकी मांग रहे हैं। वो लवासना भी गए, वहाँ भी सबकी राय ली, और जो एकेडमीज हैं वहाँ भी सबकी राय ली। यहाँ तक कि अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने जनता से भी सवालों का जवाब मांगा था कि अगर वो भी अपनी राय देना चाहें तो राय दे सकते हैं। तो एक बहुत इंक्लूसिव प्रोसेस से सबकी राय उन्होंने ली। प्रोसेस उनका अच्छा था, रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब रिपोर्ट सबमिट की तो 2016 अगस्त में तूफान मच गया था इस इलाके में, और लोगों ने कहा कि बस 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 अब तबाही आने वाली है, कलयुग आने वाला है, सब खत्म होने वाला है। क्योंकि जब जब कोई घटना घटती है तो फिर तनाव हो जाता है, और जो असुरक्षा में होता है वो तनाव में जल्दी आता है। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि कुछ नहीं होने वाला है, और सरकार की ओर से ये इंडिकेशंस मिल गए कि 2017 के एग्ज़ाम में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो लोगों ने राहत की सांस ली और 2017 का एग्ज़ाम दिया। अब हुआ ये है कि 2017 के मार्च महीने में, 20 मार्च 2017 को एक अगला स्टेप हो गया है। अगला स्टेप क्या है? जब भी कोई कमेटी यूपीएससी को रिपोर्ट देती है, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर यूपीएससी के मेंबर्स खुद अपने रिकमेंडेशंस तैयार करते हैं, यानी कि उस पर रिव्यू तैयार करते हैं, अपनी समीक्षा तैयार करते हैं। यूपीएससी ने अपने रिव्यू के साथ बासवन कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी है डीओपीटी को। डीओपीटी वो मंत्रालय है जो रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का वो सारा प्रोसेस देखता है। यानी यूपीएससी एक तरह से स्वायत्त संस्था है यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी उसके बाद भी जिसके अंडर काम करती है वो डीओपीटी है। डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, और मजे की बात है कि डीओपीटी अपने आप में काम करता है पीएमओ के अंडर। तो रिपोर्ट अब डीओपीटी के पास है, और मंत्री जी ने कुछ दिन पहले, जितेंद्र सिंह जी ने कुछ दिन पहले ये बात कही है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्दी ही हम उस पर कोई फैसला लेंगे। अब जल्दी ही का मतलब तो यही होता है कि जल्दी ही, 20 मार्च को सबमिट हुआ, नवंबर चल रहा है, मतलब ठीक ठाक समय हो गया, 8 महीने करीब हो गए हैं। 8 महीने में तो फैसला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशंस तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो ये पूरा है थोड़ा सा इतिहास कि ये समिति क्यों बनी, कब बनी, अभी क्यों हल्ला मचा। आप समझ पा रहे हैं अभी क्यों तनाव हुआ? क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले एक बात जो उभर के आ रही है वो ये कि सरकार ने विचार विमर्श कर लिया है, अब सरकार इस कमेटी पर फैसला लेने की स्थिति में आ चुकी है। वो फैसला कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। और अंतिम बात है कि बासवान साहब कौन है, मैंने आपको बता ही दिया, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनको व्यापक अनुभव हर चीज़ का है, ब्यूरोक्रेसी का है, यहाँ तक कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है IAPA उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उनको लोक प्रशासन की अच्छी जानकारी है, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपसे ये कहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम असुरक्षा में जब होते हैं तो संदेह ज़्यादा करने लगते हैं, तो पहले से संदेह करके मत चलिए। एक योग्य व्यक्ति को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, देखते हैं कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, क्यों दी, चिंता किस बात की है। रिकमेंडेशन इस कमेटी ने क्या दी हैं ये अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। यूपीएससी ऐसा करती है, सरकारें भी ऐसा करती हैं कि रिपोर्ट्स को पहले वो स्टडी करती हैं और एक खुद डिसाइड करती हैं कि पब्लिक कब करना है। अभी तक वो पब्लिक नहीं हुई है, और चूंकि अभी तक वो पब्लिक नहीं हुई है इसलिए इस बात का दावा कोई कर नहीं सकता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पर ये ज़रूर है कि जब 8-10 लोग मिलकर रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर यूपीएससी के 8 मेंबर्स उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे, सेक्रेटरीज कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये सब भी ह्यूमन बींग्स ही तो होते हैं। किसी न किसी ने किसी न किसी को कुछ ना कुछ बताया ही होगा कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, और बातें फैल जाती हैं। इंटरनेट के युग में बात न फैले ये कहाँ संभव है। जैसे काडर चेंज करने की पॉलिसी, काडर की जो पॉलिसी इस बार चेंज होने की बात चल रही है 2017 में, भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि वो एकदम सीक्रेट रहे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के एक उप सचिव स्तर के अधिकारी ने उस डॉक्यूमेंट को व्हाट्सएप पर फैला दिया, और पूरे देश विदेश में, दुनिया भर में फैला हुआ है इस समय। उसको पूरा स्टडी कर लिया लोगों ने, बस इतना ही अंतर है कि वो ड्राफ्ट है, अभी तक सरकार ने फाइनल घोषणा उसकी की नहीं है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो रिकमेंडेशंस पब्लिक नहीं है लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो रिकमेंडेशंस होंगी ही, ऐसे हवा में कोई क्यों इस बात को इतना फैलाएगा। तो जो प्रतीत होता है, जो प्रिजम्पशन है या एजम्पशंस है, रिकमेंडेशंस तो 50 होंगी,
हर कमेटी 50 रिकमेंडेशंस करती है, उसमें से जो काम की बातें हैं, आपके काम की बातें जो तनाव पैदा करती हैं, एक तो ये है कि वो एज कम कर देंगे और अटेम्प्ट कम कर देंगे। कई लोग इसी बात से बहुत परेशान हैं, तो एज और अटेम्प्ट कम करने का आइडिया है। दूसरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब तो एक ही सब्जेक्ट रह गया बेचारा, ऑप्शनल सब्जेक्ट कह लीजिए, उसको ड्रॉप करने की बात चल रही है। आपको ये पता होगा कि 2013 से पहले दो वैकल्पिक विषय हुआ करते थे, 2013 में घट के एक रह गया। वो जो अकेला बचा हुआ है उसको हटाने की बात शायद इस कमेटी ने की है। ये दो बेसिक रिकमेंडेशंस हैं। अब ये समझते हैं कि इन रिकमेंडेशंस के लागू होना तय है या नहीं, होगा तो कब से होगा, कितनी संभावना है इस बात की। पहली बात, इन रिकमेंडेशंस का लागू होना बिल्कुल भी तय नहीं है। वो क्यों तय नहीं है, मैं आपको उससे कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये तय नहीं है क्योंकि किसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, इतने मात्र से कोई परिवर्तन नहीं आता है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2000 ईस्वी में अलग समिति की रिपोर्ट आई, अलग कमेटी ने पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया, सीसेट। ये शब्द वहीं से आया है। अलग साहब ने कहा था कि प्रीलिम्स में दो पेपर होने चाहिए, सीसेट और ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेंस में ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, प्रीलिम्स में होना चाहिए सीसेट के साथ, प्रीलिम्स में जीएस नहीं होना चाहिए। ये अलग कमेटी की रिकमेंडेशन थी। सीसेट 2011 में लागू हुआ और वैसे ही लागू हुआ जैसे उन्होंने कहा था, या चेंज होकर लागू हो गया? चेंज हो गया, सी सेट प्लस जीएस हो गया प्रीलिम्स में, ऑप्शनल हट गया। बहुत स्वाभाविक है, ऐसा होता है कि किसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, सरकार ने उसको भाव नहीं दिया, सरकार को ठीक नहीं लगी। जैसे निगवेकर समिति ने बड़े अच्छे अच्छे कुछ रिकमेंडेशन दी, एक रिकमेंडेशन ये दी कि प्रीलिम्स अगर एक बार हो जाए तो 2 साल तक वैलिड माना जाए उसको। कितनी बढ़िया रिकमेंडेशन है, एक बार प्रीलिम्स हुआ आपके पास एकदम वाइल्ड एंट्री कार्ड है कि अगली बार आप बिना प्रीलिम्स मेंस में जा सकते हैं। कितनी बढ़िया रिकमेंडेशन है, पर सरकार ने भाव ही नहीं दिया। एक और रिकमेंडेशन की कि इंटरव्यू एक बोर्ड में नहीं होना चाहिए, हर उम्मीदवार का इंटरव्यू हर बोर्ड में होना चाहिए और फिर उसकी एवरेज होनी चाहिए। कितना बढ़िया है, इंटरव्यू में जो तुक्का होता है ना कि आप इस बोर्ड में गए कि उसमें गए, एक बोर्ड में शेर बैठे हैं जो एकदम खा जाएंगे, एक बोर्ड में बड़े विनम्र लोग हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, अच्छे नंबर भी दे रहे हैं। प्योर तुक्का है कि आपका कौन सा बोर्ड पड़ेगा, उस बोर्ड की हाईएस्ट रेंज क्या है। कुछ 150 पे ख़त्म करते हैं, कुछ 160 से शुरू करते हैं, तो क्या हो जाता है। तो निगवेकर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि इंटरव्यू 3 दिन चलना चाहिए और हर उम्मीदवार हर बोर्ड में इंटरव्यू देगा, तब जाके सही मूल्यांकन होगा। लेकिन क्या हुआ उसका, आपने सुना भी नहीं अब तक। इसका मतलब ये कि सरकार ने भाव नहीं दिया उस बात को, जबकि निगवेकर कमेटी की सबसे शानदार दो रिकमेंडेशन से ये वाली थी, पर सरकार को नहीं अच्छी लगी, या अच्छी नहीं लगी या व्यावहारिक नहीं लगी, जो भी वजह थी लागू नहीं किया। देखिए, कोई रिकमेंडेशन लागू होगी या नहीं ये कैसे होता है, कमेटी से रिकमेंडेशन जाती है यूपीएससी के पास, यूपीएससी अपना रिव्यू करती है, रिव्यू करने के बाद भेजती है डीओपीटी के पास। किताबी बातें कुछ भी हों, सच ये है कि कोई रिकमेंडेशन लागू होगी या नहीं ये तय करेगी सरकार। यूपीएससी के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि वो पाठ्यक्रम बदलना, उम्र कम करना, इन सब के बारे में फैसला अपने आप कर ले, वो डीओपीटी से ही होगा। डीओपीटी के जो मंत्री हैं वो क्योंकि पीएमओ के अंडर काम करते हैं, सीधा सा मतलब है कि दरअसल ये फैसला भारत में केवल एक व्यक्ति ही लेने वाले हैं, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये फैसला बहुत छोटा तो है नहीं, 2014 का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, इस बात का प्रभाव राजनीतिक दलों पर पड़ता ही है। अगर ये फैसला हुआ तो जो थर्ड फ्रंट जो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, उसको बनने का मौका मिलेगा, वो इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बना देगा। तो ये पॉलिटिकल मामला है कि सरकार इस मामले में सीधे को स्टेप लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी। इसलिए इतना सीधा नहीं है कि मंत्री विचार कर रहे हैं और लागू हो गए, ऐसा नहीं होता है। सरकार के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एक हो सकता है कि एक्सेप्ट कर ले, एक हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे, एक हो सकता है कि उसको मॉडिफाई कर दे। कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कोठारी समिति ने 1976 में जो कमेटी बनी एक सुझाव दिया जो 1979 में लागू हुआ था।
उसने सुझाव दिया कि अब प्रीलिम्स और मेंस दो लेवल्स पे एग्जाम होना चाहिए, मान लिया। प्रीलिम्स में कहा कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मेंस में दो सब्जेक्ट होने चाहिए, मान लिया। और 1979 से यही हुआ कि प्रीलिम्स और मेंस दो लेवल्स हो गए, प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट प्लस जीएस और मेंस में दो सब्जेक्ट प्लस जीएस हो गया, एज इट इज मान लिया उस बात को। 1989 में सतीश चंद्र कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भाई एक पेपर एसए का भी होना चाहिए, सरकार ने मान लिया उसको, उसके चार पाँच साल बाद शायद 1994 से लागू कर दिया उसको। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकारें रिकमेंडेशंस को मान लेती हैं, कभी कभी सरकार रिकमेंडेशन को नहीं मानती। जैसे इसी सतीश चंद्र कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या दी थी कि एसए का पेपर दो व्यक्ति चेक करेंगे, एक चेक नहीं करेगा। बहुत जेन्युइन सी बात थी, क्योंकि एसए में क्या होता है कि बड़ी सब्जेक्टिविटी है। आपने शानदार एसए लिखा है लेकिन परीक्षक शानदार नहीं था, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि 170 आएंगे, 17 ही आए, जीरो हट गया, और आप परेशान हैं कि जीरो कहाँ चला गया, लास्ट वाला पहले लग गया जीरो। आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि परीक्षक की सब्जेक्टिविटी हावी है, उसको जो ठीक लगेगा वही फैसला होकर रहेगा, वो राजा है आपकी उत्तर पुस्तिका का। ये जो मूर्खता होती है सब्जेक्टिविटी के नाम पर, इसको दूर करने के लिए सतीश चंद्र समिति ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि भाई दो बार चेक करवा लो, दोनों का एवरेज स्कोर आप उसको दे दो, या 200 नंबर का है तो 100 नंबर दो लोग चेक कर लेंगे, उसको आप ऐड कर लीजिए। पर यूपीएससी ने मेरे ख्याल से कहा होगा कि नहीं, हम तो वैसे भी नहीं कर पाते हैं, इतनी कॉपीज होती हैं, चेक नहीं हो पाती, तो मेरे ख्याल से इसको लागू इसलिए नहीं किया है और खारिज कर दिया इस बात को। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मान लेते हैं, कुछ खारिज कर देते हैं। जैसे सतीश चंद्र कमेटी ने क्या कहा था कि आप चार फॉरेन लैंग्वेजेस को मेन से हटा दीजिए, उस समय जर्मन, रशियन, चाइनीज, फ्रेंच, ये चार भाषाएं थी, इनका साहित्य भी मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हुआ करता था। सतीश चंद्र कमेटी ने कहा कि इसका क्या मतलब है, किसी को फ्रेंच आती है तो उससे क्या भारतीय सिविल सेवा में उसका योगदान बनेगा, हटा दो उसको। यूपीएससी को मौका मिला, यूपीएससी ने क्या किया, इन चार के साथ तीन और हटा दिए, सात को हटा दिया, अपनी तरफ से बढ़ा दिया, अरबिक को हटा दिया, पर्शियन को हटाया, पाली को हटाया, और सात भाषाओं का साहित्य मुख्य परीक्षा से गायब कर दिया। इसलिए रिकमेंडेशन आने से कुछ साबित नहीं होता, रिकमेंडेशन स्वीकार हो भी सकती है, खारिज भी हो सकती है, मॉडिफाई भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है केवल और केवल एक स्ट्रक्चर पर, जिसको हम कहते हैं सरकार का स्ट्रक्चर, सरकार इसके मामले में क्या सोचती है। फिर ये भी है कि लागू होगा तो कब से होगा, इसका भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी ठान लें तो 2018 से लागू हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी के सामने आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं कर पाएंगे, दबाव हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति नोटबंदी कर सकता है, जीएसटी ला सकता है, अब नोटबंदी और जीएसटी के सामने क्या चीज़ है। तो अगर नरेंद्र मोदी ठान लेते हैं फिर तो भगवान ही मालिक है, 18 में हो जाएगा। लेकिन ये भी है कि 2019 में इलेक्शन भी है और लोकसभा का चुनाव है। जनरली सरकारों का एक सामान्य तरीका होता है कि पहला साल हनीमून टाइप का होता है, पहले साल में वो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देते हैं कि सबको लगे कि ठीक चुना है हमने, ठीक आदमी को चुन लिया है। अगले तीन साल कठोर होते हैं, जिसमें सरकारें चुन चुन के हिसाब बराबर करती हैं, उसमें जीएसटी, नोटबंदी, ये सब होता है। आखिरी एक साल फिर हनीमून टाइप का समय आता है, जब वो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जनता को रिझाने का समय आता है उस समय। अब क्योंकि 18 रिझाने का समय है, 19 में इलेक्शन है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए नहीं होना चाहिए, सरकार बहुत समझदार है और नरेंद्र मोदी चाहेंगे भी तो अमित शाह समझा लेंगे, तो इसी उम्मीद पर दुनिया चल रही है अभी। तो एक तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पार्शली इम्प्लीमेंट कर दें, पार्शली इम्प्लीमेंट ना करें। हो तो ये भी सकता है कि जैसे अलग समिति 10 साल बाद लागू हुई थी, तो क्या पता 2028 में लागू हो, क्या पता, और क्या पता कभी लागू ना हो। ऐसे अलग समिति में केवल सी सेट एक हिस्सा ही लागू हुआ, बाकी कहाँ लागू हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने इस पर जो मंत्रणा की है, क्या मंत्रणा की है, भी हमारे सामने आया नहीं है। हम तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर लागू होता है तो उससे हम पर असर क्या पड़ेगा, और अगर असर पड़ेगा तो उस असर को दूर करने के उपाय हमारे सामने क्या हो सकते हैं। अंत में ये सोचेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि ये लागू ना हो तो आपको उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, और मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं चाहता हूँ कि आप ऊटपटांग स्टेप लें, विद्यार्थी हैं तो अपनी सीमाओं में रह के जो स्टेप बनता है उसी को लें। प्रभाव क्या क्या पड़ेगा इसका,
उस प्रभाव से पहले थोड़ा समझते हैं कि क्यों ऐसा उनके मन में आ रहा है। जैसे एज और अटेम्प्ट की बात है, एक नियम ये होता है कि जब तक हमें कुछ मिलता नहीं है तब तक हम उसकी इच्छा भी ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर गलती से कुछ एक बार मिल जाए तो वो हमें अपना हक लगने लगता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना आपके साथ? ये बड़ा स्वाभाविक सा है। आप किसी दोस्त के घर जाएं, वो आपको पानी भी ना पूछे तो अगली बार आप जाएंगे तो पानी की उम्मीद भी नहीं करेंगे। अगर पहली बार उसे चाय पिला दी, समोसा खिला दिया आपको, अगली बार आप मान के जाएंगे समोसा नहीं मिलेगा तो उठूंगा नहीं मैं यहाँ से, क्योंकि आपने मान लिया कि आपका हक है, जबकि वो हक था नहीं, वो तो एक उपहार की तरह से था, उसने सोचा कि कुछ देना चाहिए। एज अटेम्प्ट का मामला, ये 1979 से कहानी शुरू होती है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ समझने के लिए। 1979 में भारत सरकार ने 28 साल और 3 अटेम्प्ट घोषित कर दिए कोठारी समिति के रिकमेंडेशंस को बेस बनाते हुए। तो सारा देश खुश था उस समय, 28 साल 3 अटेम्प्ट। 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो युवा थे, युवा लोगों को लगता है कि सब युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज कर दी 26 साल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 26 साल की उम्र पहले भी रह चुकी है यूपीएससी में, ये कोई पहली बार सुनने की बात नहीं। जैसे ही 1989 में इलेक्शंस हुए और नई पार्टियां जीत गईं, तो उन्होंने राजीव गांधी के इस कदम को खारिज कर दिया और कहा अच्छा 26 करोगे, हम 31 कर देते हैं, और अटेम्प्ट 4 कर दिए पहली बार। 1990 में पहली बार 4 अटेम्प्ट हो गए और एज हो गई 31। पहली बार पौढ़ावस्था सुरक्षा योजना यहाँ से शुरू हुई भारत सरकार की। अगले साल कांग्रेस की सरकार फिर बन गई, राजीव गांधी तो उनको तो हत्या हो गई, लेकिन नरसिम्हा राव बन गए पीएम। उनको लगा कि राजीव जी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने खटाक से कहा कि इसको फिर से 28 कर दिया, इसको 4 रहने दिया कि अटेम्प्ट 4 रख देते, कोई बात नहीं चलने देते हैं। लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। आंदोलन किसने किया? आंदोलन करने वाले वो थे कि जो पहले 31 के हिसाब से चल रहे थे, अचानक 28 हो गया, वो क्या करें? उनको कंपनसेशन देने के भाव से 1992 में एज कर दी 33 साल और अटेम्प्ट कर दिए 5। ये केवल एक साल के लिए हुआ था, 1992 के लिए, सिर्फ एक साल के लिए हुआ था। ये वही कंपनसेटरी अटेम्प्ट है जिसका मैं जिक्र आपसे करना चाह रहा हूँ कि भाई हम एज कम कर रहे हैं, जिन जिन का अटेम्प्ट छूट रहा है वो यहाँ पर अटेम्प्ट दे लें। और क्योंकि एज बढ़ाई एक साल पहले थी तो एक ही साल का अंतर था, तो एक अटेम्प्ट दे के उनको पैसिफाई कर दिया। फिर 1993 से चीज़ें सिस्टम में आने लग गईं और उसके बाद ये कर दिया कि भाई एज 28 करो वापस, अटेम्प्ट 4 करो, 28 और 4 चल पड़ा, ये फिक्स हो गया था। 1999 में एनडीए की सरकार ने, जब लोगों ने कहा कि आप भी कुछ करके दिखाइए, अच्छा ठीक है चलो ऐसा करो हम 30 कर देते हैं इसको, 30 कर दिया, अटेम्प्ट 4 रखे, सब ठीक चल रहा था। 30 4 से ऊपर उम्मीद, कोई भला इंसान 4 से ऊपर अटेम्प्ट क्यों चाहेगा? और 30 से ऊपर उम्र क्या ये शमशान घाट यहीं से जाना है क्या हमें? कितनी उम्र तक एग्ज़ाम देना चाहेगा कोई भला व्यक्ति? मतलब ये ठीक है कि उसकी बैकग्राउंड को ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए OBC में SC ST में अटेम्प्ट ज़्यादा होते ही हैं। OBC के 3 प्लस कर लीजिए, SC ST में अनलिमिटेड अटेम्प्ट एज के हिसाब से रहते ही हैं। 1999 से 2014 तक सब ठीक चल रहा था, 2014 में घटना घटी, इलेक्शन था लोकसभा का, उससे पहले नोटिफिकेशन आने वाला था, उससे 2 साल पहले CSET आ गया था 2011 में। और जब CSET आया तो 2 साल तक ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो पहले प्रीलिम्स आराम से निकाल लेते थे, उनका प्रीलिम्स होना बंद हो गया। वो तो एक अलग ही दुनिया आ गई थी ना उस समय, तो जिनका मैथ्स अच्छा, रीजनिंग अच्छी, इंग्लिश अच्छी, GS बिल्कुल नहीं आता था बेशक, तभी वो सिलेक्ट हो जाते थे। और जो लोग इस परंपरा के लोग थे, UPSC की परंपरा के, जो GS पढ़ पढ़ के, मतलब खुद भी GS का हिस्सा बन जाते थे, इतना पढ़ते थे GS कि उनको भी लोग जानना चाहते थे कि ये कौन है जिसने इतना पढ़ लिया है, ये भी एक GS का सवाल है, वो बाहर हो गए सब, एकदम क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो जब आंदोलन हुआ तो सरकार कांग्रेस की जा ही रही थी उस समय, तो विद्यार्थियों का एक दल उस समय के युवा नेता राहुल गांधी जी से मिला। तो राहुल गांधी ने पूछा बताओ क्या चाहते हो? सर 2 अटेम्प्ट खराब हो गए हैं, 2 अटेम्प्ट दे दीजिए हमें प्लीज़,
बच्चों ने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे खराब हुए हैं, हमें दे दीजिए। राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग इस पॉइंट को समझ नहीं पाए ठीक से शायद। उन्होंने DOPT को फ़ोन किया, कहा कि 2 रन बढ़ा दो भाई। उनका सर डिमांड कब से चल रही थी, सर पहले ही चाह रहे हैं सर, आपके पापा ने 3 किए थे सर, तो ज़्यादा हो जाएंगे। उनका देखो ऐसा है, ये आदेश है, आदेश 2 बढ़ा दो। ये कहना भूल गए कि 2 ही साल के लिए बढ़ाने हैं। और जब वो कहना भूल गए कि 2 ही साल के लिए बढ़ाने हैं, उसके बाद से 2014 से 3206 हो गया। बेसिकली वो 2 ही साल की डिमांड थी कि जिनके 2 साल खराब हुए हैं उनके 2 साल की भरपाई हो जाए, पर ये बात कन्वे हो नहीं पाई। और उसके बाद ये हो गया कि नहीं, ये पक्का हो गया, फाइनल सिस्टम हो गया। क्योंकि जब ये नियम आया था, अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज से लगता था कि 2 ही साल के लिए है। बाद में DOPT को दूसरा क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा ये कहने के लिए कि ये सिस्टम 2 साल के लिए नहीं है, ये परमानेंट सिस्टम है। तब से क्या हो गया, 32 साल 6 अटैम्प्ट्स OBC के लिए, 35 साल 9 अटैम्प्ट्स SC ST के लिए, 37 साल 16 अटैम्प्ट्स। 16 मतलब 21 से 37 के बीच में जितने वो देना चाहें दे सकते हैं। जब से अटैम्प्ट्स बढ़ने शुरू हुए, तब से इसके खिलाफ भी बात शुरू हो गई। ये जो 28-4, 30-4 का नियम चला, तभी से कुछ लोगों ने कहा, प्रशासनिक अनुभव के लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। जो कमेटीज़ बनी, जैसे एक अलग कमेटी बड़ी महत्वपूर्ण थी इस मामले में, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अलग कमेटी ने जनरल के लिए 26, OBC 29 और SC ST के 31, 3, 5, 6 ये अटेम्प्ट्स उसने रिकमेंड किए। और ये अभी की बात नहीं है, 2021 की बात बता रहा हूँ। 17 साल पहले रिकमेंडेशन आई थी कि एज कम करनी चाहिए। उसके बाद कई कमिटीज़ ने ऐसा किया, होता समिति तो इसके सख्त समर्थन में थी। और उस समय एक छोटी सी समिति थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समिति। उस समिति की रिकमेंडेशन में पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन उस समय अखबारों में छपता था कि वो तो ये चाह रहे हैं कि स्कूल लाइफ के बाद से ही सीधा सिविल सर्विस से सिलेक्शन हो जाए, 12वीं के बाद से ही, और ग्रेजुएशन उन बच्चों को भारत सरकार करवाए, लोक प्रशासन में करवाए। एक रिकमेंडेशन तो ये भी थी। फिर तो बॉर्नविटा साथ में देना पड़ता सिविल सेवकों को कि आप बॉर्नविटा पीजिए, थोड़े बड़े हो जाइए, साथ साथ तैयारी भी कीजिए। हंसी मजाक की बात है, मतलब रिकमेंडेशन तो अच्छी थी, तो मजाक में कह रहा हूँ। निगवेकर समिति ने इसको 1-1 साल और कम कर दिया। उसने कहा भी 26 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25, 28, 30 काफ़ी है, क्या करना है इससे ज़्यादा, इतने में ही काम चला लो। अब तक भारत सरकार ने इसमें से कुछ भी नहीं माना है। भारत सरकार क्यों चाहती है ऐसा, हमें ये भी समझना चाहिए ना। इसके चाहने के पीछे 3 कारण हैं। जो कारण है उम्र कम करने के पीछे, वो 3 हैं। मेरा आपसे ये भी कहना है कि अंधाधुंध तरीके से ना समर्थन कीजिए ना विरोध कीजिए, रीजनिंग को इस्तेमाल कीजिए। सच में नुकसान में है या फायदे में है, सब समझिए पहले चीज़ों को, उसके बाद फैसला कर लीजिए। पहला कारण तो सरकार का अपना कारण है, क्योंकि उनको जब युवा लोग मिलते हैं ना, आप इस बात को पता नहीं मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, अभी आप लोग जिस उम्र में, उसे मानने का मन नहीं करता होगा, समय के साथ मान जाएंगे इस बात को आप भी, कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एटीट्यूड, चीज़ों को समझने की क्षमता, खुद को बदलने की क्षमता, समाज को बदलने की क्षमता, सब पे असर आता है। जब आप 20, 22, 24 की उम्र में होते, तूफ़ानी उम्र होती है, जोश होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं उस समय। धीरे धीरे आपको अपनी सिक्योरिटी, परिवार की चिंता, फिर स्वास्थ्य की चिंता, 30 की उम्र में आदमी पहली बार बीमा खरीद लेता है, अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेता है। लाइफ इंश्योरेंस खरीदना बुढ़ापे की पहली बड़ी निशानी मानी जाती है, कि अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्षणभंगुर ही हूँ। तो अब सोच के देखिए, 37 या 35 साल का व्यक्ति अगर सिविल सेवक बनता है, फिर 2 साल ट्रेनिंग के लगा लीजिए, तो 38-40 की उम्र में पहली बार वो नौकरी करने पहुँचता है। क्या उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा उत्साह, नवाचार या क्रिएटिविटी, इनोवेशन करने का स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा? आप कह सकते हैं कि रहेगा, रेयरली किसी में हो भी सकता है, लेकिन जनरल टेंडेंसी जो है वो ये कि 25-30 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, एनर्जी में तो चले जाते हैं। अनुभव बढ़ता है, लेकिन अनुभव सिविल सेवा का अनुभव हो फिर तो उसकी वैल्यू है। सड़क के अनुभव को हम सिविल सेवा में कितना यूज़ करेंगे, वो तो छोटा मोटा अनुभव हुआ। इसलिए इनको पहली बात तो चाहिए ऐसे सक्रिय लोग
जो नवाचार कर सकते हों, इनोवेशंस कर सकते हों, ऐसे लोग चाहिए। और कोई भी सरकार चाहेगी कि उसको अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मिले। नरेंद्र मोदी जितने एक्टिव प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक तौर पर वो चाहते हैं कि उनको ब्यूरोक्रेसी ऐसी मिले जो एक्टिव हो, सुपर एक्टिव हो। वो एक योजना तय करें और कलेक्टर लोग रात दिन एक करके उसको पूरा करके दिखा दें। इंदिरा गांधी कहती थी और नेहरू जी कहते थे कि हमारा असली संघर्ष प्रशासकों के साथ है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होने की बड़ी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है। वो चाहते नहीं कि कुछ हो। तो कोई भी प्रधानमंत्री चाहेगा, कोई भी सरकार चाहेगी कि उसको ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से कर्मठ मिले, एक्टिव मिले। इसमें क्या गलत है चाहने में? दूसरा कारण इनके मन में ये आता है, वो आपके पक्ष में है, कि अगर आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन न हो तो कहीं जीवन में कहीं जाने का स्कोप तो रहे, कोई बैकअप प्लान जिसको बोलते हैं जीवन के लिए, वो तो रहे। सबसे बड़ी दुर्दशा उसकी होती है जो 30, 32, 33, 34 साल की उम्र तक यूपीएससी की तैयारी करे और सिलेक्शन ना हो पाए। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, निगवेकर समिति ने एक बात और कही थी कि जो इंटरव्यू तक चला जाए और सिलेक्शन ना हो, उसको कम से कम ग्रुप बी की नौकरी दे देनी चाहिए। कुछ तो दो बेचारे को यहाँ तक पहुँचा है, वो भी नहीं माना सरकार ने, मान लेना चाहिए था। तो दूसरा पॉइंट उनका यह था कि बैकअप प्लान जो बच्चों के मन में होना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर, वो बनाने का कोई ना कोई रास्ता हमें मिल जाए। जो पहला बिंदु है उसी का एक पक्ष ये भी है कि एक खास उम्र तक लोगों में सीखने की ललक रहती है, वो थोड़े आदर्शवादी होते हैं, भ्रष्ट नहीं होंगे, जुनूनी होंगे, प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। ये सारी चीज़ें कम उम्र में हो सकती हैं, बड़ी उम्र में नहीं हो पाती हैं। 30-35 से बाद व्यक्ति बहुत व्यावहारिक होने लगता है। 20-22 में आप देखेंगे वो क्रांति के मूड में रहता है कि दुनिया बदल दूंगा, कब, परसों रात को बदलूंगा दुनिया पूरी, वो दुनिया बदलने के मूड में रहता है। दुनिया बदले ना बदले गली मोहल्ला बदल भी देता है कई बार, तो आदर्शवाद का अपना क्रेज़ है। 35 के बाद व्यक्ति से बात करेंगे उसे लगता है कि मैं अपना मैनेज कर लूँ, वही दुनिया है बस, उसके बाहर मुझसे हो नहीं पाएगा। तीसरा क्या है कि जब कोई 25 साल में सिविल सेवक बनेगा, 22-23 में बनेगा, वो जब रिटायर होगा तो 38 साल का सेवा अनुभव उसके पास होगा। उसके एक्सपीरियंस की वैल्यू जो देश को मिलनी चाहिए वो तब मिलेगी जब वो कम उम्र में आएगा। मान लीजिए कोई 35 साल में आईएएस बनता है, उसको कुल 25 साल मिले। 25वें साल में सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबिलिटी आती है, उसका तो नुकसान हुआ ही कि वो अच्छे पद पर जा नहीं पाए ज़्यादा समय तक। जिस व्यक्ति को इतनी सुविधाएं दे के, इतने अधिकार दे के धीरे धीरे मैच्योर किया कि वो पूरे देश का एक विभाग संभाल सके, जैसे विभाग संभालने की नौबत आई रिटायर हो गया। तो क्यों ना हमें ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिलें जिनके पास सीनियर एज में ज़्यादा साल हों देश को देने के लिए। मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी बात गलत तो नहीं लग रही है, ठीक ही बात है। अगर सरकार ये चाहती है कि कम उम्र के लोग उनको मिलें तो सरकार गलत तो नहीं चाह रही है। आप लोग भी शादी के लिए ढूंढ रहे होंगे किसी को, तो क्या उम्र चाह रहे हैं उसकी, प्रौढ़ावस्था चाह रहे हैं, कोई ठीक उम्र का व्यक्ति चाहते हैं? तो आप भी तो यही चाह रहे हो ना, ठीक उम्र का व्यक्ति मिले। तो सरकार अगर चाह रही है अपने लिए ठीक उम्र के व्यक्ति, तो इसमें बेसिकली तो कुछ भी गलत नहीं है। गलत तो आपके साथ ना हो जाए ये चिंता है ना, उसका समाधान भी करते हैं। ये इनके कारण हैं। इसमें जो खतरा है, खतरा क्या है? मान लीजिए 26 साल जनरल के लिए कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से 26 पे ही सहमति इनके बनने वाली है, बहुत होगा तो 27 तक जाएंगे। खतरा इसमें दो चीज़ों का है। एक खतरा तो ये है कि हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से, बच्चों की पढ़ाई शुरू ही देर से होती है। तो जिन बच्चों की पढ़ाई शुरू ही देर से हुई, उनके साथ कैसे न्याय होगा? ये समझ पा रहे हैं? स्टडीज लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं फिर लिख देता हूँ। लेट स्टडीज, एक तो ये पक्ष है, मतलब बड़ा स्वाभाविक सा है। जैसे गांव में कोई स्कूल नहीं मिला, प्राइमरी स्कूल के बाद कोई स्कूल नहीं है, एक साल बीच में व्यर्थ हो गया, और करते करते एक शहरी बच्चा 16 की एज तक 12वीं पास कर लेता है, बहुत वो तो 17 से पहले तो कर ही लेता है। और वहीं एक गाँव का बच्चा, रिमोट विलेज का बच्चा, मेरे ख्याल से किसी भी हालत में 19-20 से पहले 12वीं पास नहीं कर पाएगा। ग्रेजुएशन में फिर 3-4 साल जोड़ लीजिए। तो एक शहरी बच्चा जो 20 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा, मैक्सिमम 21 मान लीजिए अगर इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो उसके पास 5 साल हैं
अटेम्प्ट मेरे ख्याल से चार कर देंगे, चार अटेम्प्ट से पाँच साल हैं, पर्याप्त है। और वो वैसे भी उस मानसिकता में है कि उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से एग्ज़ाम देना है, नहीं तो कुछ और करना है, वो अपने टाइम की बहुत वैल्यू समझते हैं। लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा, इस बात की पूरी संभावना है कि वो ग्रेजुएट होगा ही 23 साल में, उसका क्या होगा। एक दूसरा पक्ष भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे राज्यों में हैं जहाँ के विश्वविद्यालयों के सेशन ही लेट चल रहे होते हैं। जैसे मैंने सुना है कि बिहार में भी और शायद उत्तर प्रदेश के भी कुछ विश्वविद्यालयों में सेशन लेट चलते रहते हैं, यानी आप 2017 में एडमिशन ले रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि 2014 में आपका एडमिशन हुआ है, क्योंकि वो सेशन अभी जाके शुरू हुआ है और सेशन पूरा होते होते आप 2-3 साल व्यर्थ कर चुके होते हैं अपनी उम्र के। इसकी जो भरपाई है वो कैसे होगी? या तो देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ के सेशंस पहले पटरी पे आ जाएं। मेरे ख्याल से जो होना चाहिए, सरकार इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं होती है, सरकार समझती है इन चीज़ों को, ऐसे हम लोग इतने बड़े ज्ञानी नहीं कि हमें समझ पा रहे इन बातों को, वो भी समझते हैं इस बात को। मेरे ख्याल से इनको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए, या शायद ऐसा ही करेंगे भी, कि मान लीजिए 26 की उम्र करते हैं तो केवल 2 प्रावधान इसमें कर दें तो दिक्कत नहीं है। पहला प्रावधान, जो विद्यार्थी पहले से तैयारी में हैं उनको एक विंडो मिल जानी चाहिए कि उनको नुकसान ना हो। मेरी समझ कहती है कि विंडो मिलेगी ही मिलेगी, सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती कि विंडो ना दे आपको। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मान लीजिए आपके 6 अटेम्प्ट से आपने भी एक भी नहीं दिया और सरकार ये कहे कि भाई ऐसा है कि 3 साल बाद से नियम लागू होगा कि 4 अटेम्प्ट होंगे, और उस चक्कर में आपका मान लेते हैं कि 1 अटेम्प्ट हाथ से निकल गया, इतना न्याय नहीं होगा कि 6 ही मिलेंगे आपको। लेकिन ये है कि जब भी वो नया सिस्टम लागू करेंगे, मेरे ख्याल से कम 2 या 3 साल के लिए एक विंडो देंगे कि इन 3 सालों तक आप 6 अटेम्प्ट के हिसाब से अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके बाद से 4 अटेम्प्ट मान लिए जाएंगे। यदि ऐसा होता तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, और 4 अटेम्प्ट से दुनिया का पूरा इतिहास ही चल रहा था, ऐसा तो है नहीं कि 4 बहुत कम होते हैं, तो ये अपने आप में दिक्कत नहीं है अगर आपको विंडो मिल जाती है 2 या 3 साल की, जो कि मिलेगी। नहीं मिलेगी तो अनुच्छेद 14 का प्रयोग कीजिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। दूसरा वो ये कर सकते हैं जो करना चाहिए उनको, अगर किसी बच्चे ने ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है जहाँ सेशन लेट था तो उतना रिलैक्सेशन उसको एज का मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं है, ये उसके विश्वविद्यालय की गलती है। एक तरीका और भी हो सकता है कि जिन बच्चों ने 12वीं क्लास या 10वीं क्लास कोई भी पैरामीटर तय कर सकते हैं, अगर किसी दूरस्थ गाँव में रह के किया है तो उन बच्चों को आप 1 या 2 साल का रिलैक्सेशन दे दें। भाई सिंपल सी बात है, आप चीज़ों को पटरी पर ला रहे हैं, इसका विरोध कोई नहीं करेगा, लेकिन पटरी पर लाने के चक्कर में जो लोग पटरी के नीचे चले जाएंगे ना, उनको न्याय देना चाहिए। और न्याय देने का सरलतम तरीका ये है कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको 2-3 साल का समय मिल जाए, जो कि मिलना चाहिए, और जो संगठन या संरचना या राज्य या समाज की वजह से लेट हो रहे हैं उनको लेट होने की भरपाई मिल जाए। मेरी समझ कहती है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देगी, उसके बाद ही फैसला लेगी, लेगी तो फिर कोई क्यों विरोध करेगा इस चीज़ का, सब लोग समर्थन करेंगे करेंगे। दूसरा पक्ष, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट से सरकार को क्या दिक्कत है और इसको ख़त्म करने से आपकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, आप सिर्फ ये समझें कि 2012 तक का सिस्टम और 2013 से जो सिस्टम है उसमें अंतर क्या है। 2012 तक जो मेन एग्ज़ाम था, यानी कि मुख्य परीक्षा जो थी, उसमें 1200 नंबर के 2 ऑप्शनल विषय थे और मुख्य परीक्षा कुल 2000 नंबर की थी। अब जानते हैं 600-600 नंबर के 2 वैकल्पिक विषय थे, 600 का जीएस था, 200 का निबंध था, यानी कि 60% वेटेज थी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। अभी का जो सिस्टम है उसमें 500 नंबर का एक वैकल्पिक विषय है और ये 1750 में से, यानी कि लगभग 29% के आसपास आप मान सकते हैं, 1/3 से भी कम हो गया है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की वैल्यू पहले से काफ़ी कम हो गई है। जीएस जो पहले 600 था 2000 में, 30% था, अब वो 1000 है 1750 में से, यानी उसकी वैल्यू 50% से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, आपके मुख्य परीक्षा में एक है जीएस, एक है एसए, एक है ऑप्शनल सब्जेक्ट। एसए में मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब
नहीं के बराबर फ़र्क है, आप उसको कम से कम साजिश नहीं बता सकते किसी की। तो 2013 से जो सिस्टम शुरू हुआ उसमें 500 नंबर हैं वैकल्पिक विषय के, 1750 में से, यानी 29% हुआ। अब अगर आप मेंस का पूरा सिस्टम समझें, मेंस में हो क्या रहा है कि ऐसे जो कि अभी 250 नंबर का है, पहले 200 नंबर का था, उसमें मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इंग्लिश मीडियम में कोई व्यक्ति हाईएस्ट ऐसे में 175 लाएगा तो मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम में भी 170 के आसपास होगा, कभी कभी 180 भी हो सकता है, ये संयोग की बात भी है। इसलिए हम ऐसे को मान के चलते हैं कि वो लैंग्वेज न्यूट्रल है, क्योंकि चार चार टॉपिक्स हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक ऐसा मिल ही जाता है जिसमें आप अपनी भाषा में ठीक से बात लिख सकते हैं, तो कोई समस्या है ही नहीं उसमें। जीएस में पेपर 1 और पेपर 4 मोटे तौर पर लैंग्वेज न्यूट्रल माने जा सकते हैं। पेपर 4 तो एथिक्स का है, अब नैतिक डिस्कशंस में भाषा से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं कहीं कुछ तकनीकी शब्द अगर छोड़ दें तो। पेपर 1 में हिस्ट्री है, समाज की बातें हैं, सामान्य बातें हैं, भूगोल में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन जनरली हम मान सकते हैं कि 2-4-5 नंबर के अंतर से दोनों माध्यम सर्वाइव कर लेते हैं। जो जीएस का पेपर 2 और 3 है, जिसमें करंट इवेंट्स की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की भूमिका बढ़ जाती है, मेरी समझ कई सालों तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद भी ये है कि हिंदी माध्यम तो फिर भी ठीक है, तमिल तेलुगु मराठी सबको मिला के बात करूं तो वो कितनी भी ताकत लगा लें अंग्रेजी माध्यम के एकदम बराबर नहीं आ सकते हैं। लेटेस्ट हर घटना अंग्रेजी अखबार में जिस तरह से आती है वैसे हिंदी में नहीं आती है। टेक्निकल वर्ड्स आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलता है, अनुवाद न करें तो कभी कभी ये भी होता है कि आपने अंग्रेजी में लिखा उसका दंड मिल जाता है, कुछ नंबर कट जाते हैं उसके। इसलिए कितनी भी कोशिश हम कर लें, जीएस में मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1990-95 के समय से ही कह रहा हूँ, अंग्रेजी माध्यम में जैसे इसी बार की बात करें 2017 की, मेरी जानकारी में हिंदी माध्यम में मैक्सिमम 434 मार्क्स आए हैं जीएस में, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस बार 1000 में से। इंग्लिश मीडियम में कितने हैं एग्जैक्टली नहीं पता, पर कल एक सिलेक्टेड व्यक्ति से बात चल रही थी, उसने कहा कि मैंने सुना है कि 470 या 472 के आसपास हैं, अनुमान है, एक दो नंबर कम ज़्यादा हो सकता है इसमें। ये जो गैप है 25-30 नंबर का, मेरी समझ है कि हम बहुत कोशिश करेंगे तो भी इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। एक तो अंग्रेज़ी में चीज़ें ज़्यादा हैं, भाषा उनके पास है, और सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी के एग्जामिनर्स का माइंडसेट एक समय के बाद ऐसा बन जाता है कि अंग्रेज़ी में चीज़ें ज़्यादा प्रामाणिक दिखती हैं। ये किसी के साथ भी होता है, अगर आप एक ज़्यादा विकसित भाषा में लगातार काम करेंगे तो एक ऐसी भाषा जिसमें अनुवाद करना पड़ता है उसमें अच्छा उत्तर भी आपको कन्विंस कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप उस भाषा को लेकर पहले से प्रेजुडिस्ड होते हैं, पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं। ये नेचुरल बात है, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग साजिश करते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है कि उनके मन में न्यूट्रल माइंडसेट नहीं बन पाता है। इस वजह से ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा अंक देने वाला है तो आप अंग्रेजी माध्यम के व्यक्तियों से जितना पीछे थे उसमें से कुछ की भरपाई कर लेते हैं, लेकिन ये सब नहीं कर पाते हैं। हिंदी माध्यम में, मराठी माध्यम में कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। लिटरेचर के सब्जेक्ट से मराठी माध्यम का व्यक्ति मराठी साहित्य से अगर परीक्षा देगा तो चांस बनता है कि उसको 10-20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसे गुजराती साहित्य वाला व्यक्ति है, तमिल साहित्य है, तेलुगु साहित्य है, इनको बेनिफिट मिल जाता है। इस बेनिफिट की वजह से कई लोग जो जीएस से पीछे रह गए थे थोड़ा सा कवर करके रेस में आ जाते हैं। अगर वैकल्पिक विषय हटा तो मेरा ख्याल है कि भारतीय भाषाओं के माध्यमों के जितने लोग हैं, अगर मान लेते हैं कि उनका सिलेक्शन 100 लोगों का होता है, तो मेरे ख्याल से उन 100 में से कम 10 का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, यानी कि 90 रह जाएंगे, शायद 80 रह जाएंगे। और दूसरा, ऊपर के कुछ रैंक्स में उनके आने की जो संभावना थी वो खत्म हो जाती है। जैसे इसी बार हम देखें, इस बार जो हिंदी माध्यम के टॉपर है उनका वैकल्पिक विषय इतिहास है और 300 के आसपास अंक रहे होंगे निश्चित रूप से। अगर वो 300 अंक न होते तो निश्चित रूप से वो टॉप रैंक में ना आ पाते, क्योंकि टॉप रैंक में लाने में कम से कम 15-20 नंबर के जो एज मिली है उनको बाकी लोगों के विषयों की तुलना में वो प्रभावी रही होगी, वो खत्म होगी। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हटता है तो 10% के आसपास सिलेक्शन रेट कम होनी चाहिए, और टॉपर्स में पहले 100 रैंक में संभावना थोड़ी सी और कम होगी,
नीचे के रैंक 100 के बाद के रैंक पर जो पहले सिलेक्शन का रेट था लगभग वैसा रह सकता है, होगा तो थोड़ा बहुत और कम होगा। ये कुल मिला के प्रभाव इसका पड़ने वाला है। अब सवाल है कि मतलब भाषा वर्ग ग्रामीण भारत पर प्रभाव मैंने आपको बता दिया, वही प्रभाव है। अंतिम बात है इसका प्रबंधन हम कैसे करें। पहली बात तो अभी ये मानकर ना चलें कि परिवर्तन होने ही वाला है। पहले से कुछ मानकर चलेंगे तो ज़्यादा तनाव में रहेंगे। इसकी घोषणा तो फरवरी में जब नोटिफिकेशन आएगा मान के चलिए कि तभी होगी। सरकार पहले कर भी सकती है सिर्फ इसलिए कि लोग संशय में ना रहें, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है। सरकार बाध्य है फरवरी के नोटिफिकेशन में ये बताने, ये उसको बताने का पूरा अधिकार है कि पाठ्यक्रम क्या है। टेक्निकली सरकार को अगर वैकल्पिक विषय हटाना हो तो फरवरी के नोटिफिकेशन में मुख्य परीक्षा में विषय का नाम लिखेगी नहीं, केवल जीएस के पेपर्स बता देगी, तो बात खत्म। आप उसे रोक नहीं सकते। फरवरी से पहले वो बताए ही बताए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन पहले से मानकर क्यों चले? और मेरा विचार ये है कि 2019 के इलेक्शन को देखते हुए कोई बहुत बड़ा कदम इस साल शायद नहीं उठेगा। उठेगा तो 2020 में उठने का स्कोप ज़्यादा, क्योंकि 19 में तो इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आ ही जाएगा 19 का। 2020 में तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बड़ा चेंज आना चाहिए। 19 में नहीं आएगा किसी भी हालत में, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका होगा उस समय लगभग। 18 में संभावना थोड़ी सी है, मेरे ख्याल से 20-25% से ऊपर संभावना नहीं है। 70-80% यही है कि इस साल चेंज नहीं करेंगे या हल्का फुल्का करेंगे, पूरा चेंज नहीं करेंगे। तो पहली बात तो है कि आप अभी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहें। लेकिन ये मान के चलिए कि देर सवेर ये होना तो है ही, वो वैकल्पिक विषय को हटा के मानेंगे, एज कम करेंगे। एज कम करने से तात्कालिक नुकसान आपको नहीं होगा, पहले आपसे बता रहा हूँ। तो करना ये है कि अभी से जीएस के पक्षों पर थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसकी वेटेज बढ़ेगी आगे चलकर। अगर आपको लगता है कि आप सरकार को रोकना चाहते हैं ऐसा करने से, तो फिर एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको महात्मा गांधी कहते थे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, बल्कि उससे भी अच्छा सविनय निवेदन आंदोलन कर लीजिए। मेरा ख्याल है कई बार क्या होता है कि सरकार में जो महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्ति होते हैं उनको सारा फीडबैक मिलता भी नहीं है। उनके आसपास एक छोटा सा ग्रुप होता है, वो ग्रुप जो फीडबैक दे रहा है वही उनके पास फीडबैक है, उनको रियल फीडबैक नहीं पता होता। और मुझे लगता है कि देखिए, आप नेहरू और नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी किसकी विचारधारा से प्रभावित है किसकी विचारधारा से नहीं, उसको एक बार छोड़ देते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी ये सब लोग बहुत कर्मठ किस्म के प्रधानमंत्री हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपने आसपास की ब्यूरोक्रेसी के अंध प्रभाव में नहीं रहते हैं, अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि हम एक ऐसे प्रधानमंत्री के समय में हैं जो खुद भी अंग्रेजी भाषी नहीं है, जो गुजराती बोलता है, हिंदी बोलता है। और यदि बिना बहुत अच्छी अंग्रेजी जाने कोई व्यक्ति इतना अच्छा पीएम हो सकता है तो डीएम क्यों नहीं हो सकता है? तो ज़्यादा आसान बात है। मेरी समझ ये कहती है कि अगर आपको लगता है, अगर तो आप परिवर्तन को स्वीकार करने को तैयार हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, परिवर्तन थोड़ा धीमे होना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी बात अपने देश के मुखिया को यानी कि प्रधानमंत्री जी को भेजें। और भेजने का सबसे आसान तरीका है नरेंद्र मोदी ऐप। उस पर तो कई लोग भेजते ही रहते होंगे कुछ कुछ। कहते हैं कि कोई जेन्युइन बात जब भेजी जाती है उस पर तो उसका जवाब ज़रूर आता है, काम भी हो जाता है। मेरे एक दोस्तों ने बताया कई तरह की समस्याएं हैं कि उनके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से नहीं उठ रहा था, उस पर लिख दिया नरेंद्र मोदी ऐप पे कि मेरे घर के सामने से कूड़ा नहीं उठ रहा, मेरा एड्रेस ये है, और 3 दिन बाद MCDA उठा के ले गई। वो इतने त्वरित हैं उनके ऑफिसर्स कि वहाँ से खटाक से संबंधित विभाग को मैसेज जाता है कि नरेंद्र मोदी के पास ये सूचना आई है, इसका निपटारा करके जवाब भेजिए। फिर जवाब आता है और फिर उस ऐप के थ्रू या किसी और तरीके से उस व्यक्ति को मैसेज मिलता है कि आपका काम हो गया है, बताने के लिए धन्यवाद। तो आप भी बात कर लीजिए उनसे। उस ऐप पर एक होता है प्रधानमंत्री से जुड़ें, उस पर जाएंगे तो मैसेज लिखने का ऑप्शन है, उस पर लिखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अच्छा परिवर्तन देश के लिए होना चाहिए लेकिन उसकी गति थोड़ा सा धीमी रखिए और हमें कम से कम इतना मौका मिल जाए कि अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकें। ये भाव मत दीजिएगा कि आप परिवर्तन के विरोधी हैं, क्योंकि आप है भी नहीं। आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि परिवर्तन की गति इस तरह से हो कि आपको उसमें अपने अधिकार से वंचित ना होना पड़े।
ऐसा एक मैसेज उनको पहुंचाई और मुझे उम्मीद है कि जब उनको ठीक से बातें मिलेंगी, क्योंकि वो ज़मीन के आदमी हैं, गुजराती भाषी आदमी हैं, तो भाषा बोलने वालों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे, बस बात ठीक से कन्वे हो और वो आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। उम्मीद है कि आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे। तैयारी कीजिए, जीएस पर ज़्यादा जोर लगाइए और जल्दी से आईएएस बन जाइए, इससे पहले कि कोई बड़ा परिवर्तन आपके सामने आए। शुक्रिया।